ंग टू डिस्कस द्स विच आर इन्वॉल्व इन साइट सिलेक्शन तो वो तमाम स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो कि साइट की सिलेक्शन में हमारे लिए जरूरी है सबसे पहले हमारे पास ये फोर मेजर स्टेप्स है इन वोजर स्टेप्स में से हम लट से वी विल गो थ्रू वन बाई वन सबसे पहला काम साइट सिलेक्शन के अंदर आपको क्या करना है स्टेप नंबर वन इज टू इन्वेस्टिगेट ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग एरियाज तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने साइट की सिलेक्शन से पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग एरिया ट्रेडिंग एरिया वन ट्रेडिंग एरिया टू ट्रेडिंग एरिया थ्री लेट से इफ वॉलमार्ट वांट्स टू कम टू पाकिस्तान अब फॉर देम लाहौर इज ओपन कराची इज ओपन इस्लामाबाद इज ओपन मुल्तान इज ओपन पेशावर इज ओपन सो एनी सिटी इज अवेलेबल इन जनरल तो वो बड़े आराम से दे कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट ट्रेडिंग एरिया ताकि आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट साइट तो पहले स्टेप के अंदर आपको ट्रेडिंग एरिया आइडेंटिफाई करने हैं मल्टीपल डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ताकि आपके पास बेस्ट ऑप्शन को आप प्रोसीड कर सके जब हम स्टेप नंबर वन को क्वालिफाई करते हैं लेट्स वॉलमार्ट की एग्जाम्पल को ही मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं कि जहां पर वॉलमार्ट में लटसे उन्होंने चार एरिया को एज ए ट्रेडिंग एरिया आइडेंटिफाई किया अब उसके बाद फॉरन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वट दे विल डू क्या करेंगे कि दे विल डिटर्मिन टाइप ऑफ लोकेशन इज डिजायरेबल एज पर द नीड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर या एज पर द स्ट्रेटेजी उनको यह देखना है कि किस तरह की लोकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है अब ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस हो गया स्टेज वन के ऊपर अब आपने इवेल्यूएट यह किया कि कौन सी टाइप ऑफ लोकेशन इज आइडेंटिफाइबल इज डिजायरेबल तो क्या मुझे कोई आइसोलेटेड स्टोर चाहिए क्या मुझे कोई आइसोलेटेड स्टोर के अलावा किसी मॉल के अंदर कोई लोकेशन चाहिए क्या मुझे किसी प्लाजा के अंदर कोई लोकेशन चाहिए क्या मुझे कोई आउटस्कर्ट के अंदर कोई लोकेशन चाहिए क्या मुझे सबर्ब्स के अंदर कोई लोकेशन चाहिए सो आपको विच टाइप ऑफ लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है स्टेज टू के ऊपर ताकि फिर उस टाइप ऑफ लोकेशन को हम देख सके उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिए के अंदर उतार के कि उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिए में कितनी तरह की लोकेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मौजूद है फिर हम आते हैं स्टेप नंबर थ्री के ऊपर जहां पर यूनिट टू सिलेक्ट जनरल लोकेशन अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कई दफा ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कि जब भी हम साइट की सिलेक्शन की बात करते हैं स्पेशल स्पेशल लोकेशन की डिस्कशन की बात हो रही है यहां पर जनरल लोकेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कोई आम सी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर ले जो टाइप ऑफ लोकेशन आपको डिजायर्ड है जो कि स्टेप टू के अंदर मैं ना अब हमने उस टाइप ऑफ लोकेशन की ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है आइडेंटिफाई करनी है मुझे वो तमाम लोकेशंस जो के मेरी डिजायरेबल लोकेशंस हैं जो कि मेरे डिजायरेबल क्राइटेरिया के मुताबिक लोकेशंस हैं तो फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे स्टेज वन के अंदर जहां पे उसने तीन या चार ट्रेडिंग एरियाज आइडेंटिफाई किए अब उसके बाद उसने आइडेंटिफाई ये किया कि यस आई वॉन्ट टू ओपन लेट से एक लाख स्कोयर फीट के स्टोर जो कि मल्टी स्टोरी होंगे सो दे नीड टू सी कि मेरे बजट किस टाइप ऑफ लोकेशन रिक्वायर्ड है इस तरह का रिटेल स्टोर ओपन करने के लिए क्या मेरे लिए एक सबर्ब एरिया रिक्वायर्ड है या मुझे मेन सेंटर ऑफ द सिटी रिक्वायर्ड है या लेट से आई एम ओके विद एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सिटी लोकेशन तो उसके बाद आपको वॉलमार्ट को क्या इवैल्यूएट करना है कि यस मेरे पास अब कौन-कौन सी लोकेशंस मौजूद हैं जो कि इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हैं उसके बाद हम फोर्थ स्टेज के ऊपर आते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर आते हैं जब पहले तीन स्टेप क्वालीफाई हो गए उसके फौरन बाद आपको इवैल्यूएट करना है जितनी भी ऑल्टरनेटिव स्पेसिफिक स्टोर साइट आपके पास आ गई है आइडेंटिफाई हो गई है अब इवेल्यूएट कर लें लेट से नाउ वी हैव टू सी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल आई ऑलवेज से पोटेंशियल डी मैरिट क्योंकि ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर जगह के साथ कुछ ऐसी चीजें एसोसिएटेड होंगी जो कि उसको नेगेटिव में जा रही होंगी लेकिन आपको नॉर्मली इवेल्युएट करना होता है पोटेंशियल मैरिट ऑफ ईच लोकेशन एंड देर आर लॉट ऑफ मेरिट एक्चुअली एसोसिएटेड विद ईच लोकेशन वो तमाम मेरिट्स को जब आप जॉक डाउन कर लेते हैं देन आप ये देखते हैं इवेल्यूएशन करते हैं उन तमाम ऑल्टरनेटिव साइट्स का जो कि आपके पास मौजूद है से वो आपके पास ट्रेडिंग एरिया के अंदर चार एरिया थे एंड देन उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी डिजायरेबल लुक टाइप ऑफ लोकेशन फिर उसके बाद आपने लट से फोर्टी और थर्टी आपने जनरल लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है अब उन थर्टी लोकेशन की इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाएगी दिस नॉट मीन कि आप वो थर्टी स्टोर्स ओपन करने के लिए जा रहे हैं थर्टी साइट को बाय करने के लिए जा रहे हैं वट यू आर गोइंग टू डू यू आर यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज थर्टी साइट योर ओन साइट जो कितनी रिक्वायर्ड है आपको मे बी वन मे बी टू मे बी थ्री मे बी फोर वट सेवर इज द रिक्वायरमेंट वो आप इवेल्युएट करेंगे तमाम ऑल्टरनेट स्पेसिफिक स्टोर साइट्स को ऑल्टरनेटिव साइट्स को और फिर उनमें से यू विल चूज द बेस्ट जो कि मोस्ट सुटेबल है विद मोस्ट पोटेंशियल मेरिट्स अवेलेबल जो कि कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली है जहां पे कस्टमर का कैचमेंट एरिया बहुत स्ट्रांग है जहां पे टाइम जोन वन टू थ्री के अंदर कस्टमर बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड सो so, इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए वो तमाम फैक्टर्स जो चीफ फैक्टर्स की फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उनको नजर में रखते हुए आप इवेल्यूएट करेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर द साइट सिलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्थ स्टेप आप साइट की सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे